इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, हम फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं और साथ में हम आर्गुमेंट्स के नाम भी दे सकते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलोंग विद नेम्स। तो इन दैट केस वो हमारे पास एज अ डिक्शनरी पास होगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट्स की लिस्ट आ रही है और मुझे जो है एवरेज निकालना है इन स्टूडेंट्स के मार्क्स का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं मैं उनका एवरेज निकालूंगा। तो मेरे पास स्टूडेंट्स एज एन आर्ग्यूमेंट आ रहा है जो कि एक डिक्शनरी है, तो मैंने कहा स्टूडेंट्स की कीज़ निकाल लूँ मैं और कीज़ के अगेंस्ट जो है जो भी मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स को मैं की दूंगा, तो मार्क्स निकल आएंगे मैं उसको ऐड कर लूँगा और आखिर में मैं मार्क्स रिटर्न करा दूँगा। तो अब मैं इसको कॉल करते हुए मैं कहता हूँ अली के मार्क्स 20 हैं, सलीम के मार्क्स 29 हैं, असगर के मार्क्स 40 हैं। तो अब ये एक डिक्शनरी बन जाएगी जिसमें तीन कीज़ होंगी। मैं यहाँ पे कीज़ भी प्रिंट कराना चाहूँ, स्टूडेंट कौन सा है एंड मार्क्स कौन से हैं। मार्क्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले स्टूडेंट अली गया जिसके मार्क्स 20 हैं, सलीम गया जिसके मार्क्स 29 हैं, असगर गया जिसके मार्क्स 40 हैं। तो उसके बाद जो है हमने इसका एवरेज किया और एवरेज जो है निकालने के लिए हमें जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स डॉट कीज की लेंथ, लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज निकल आएगा। तो ये 29.66 इनका एवरेज आ रहा है।